हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनीश कौर। क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपका जो रिवाइज पैटर्न आया है सीबीएसई की तरफ से, जब आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम होने हैं तो उसमें बेटा आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही आने हैं, ठीक है? तो आप थ्योरी पार्ट से अब शिफ्ट हो गए हो एमसीक्यू की तरफ। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसी तरह से और भी वीडियोस में आपको देती रहूंगी टाइम टू टाइम। पार्ट वन लाइफ प्रोसेसेस में, जिसमें न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी में वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इनटू पाइरुविक एसिड, तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं बेटा? ऑप्शंस है आपकी 1, 5, 2, 8। तो याद रखिए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट टेक्स प्लेस इन। आपको सेल का वो पार्ट बताना है जहां पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट होता है, तो दैट इज योर साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोसेस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो बेटा फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जहां पर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों इक्वल हो जाते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, कंपोजिशन, कंपनसेशन पॉइंट और नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंपनसेशन पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इन विच लाइट रीजन फोटोसिंथेसिस अकर बेस्ट, यानी फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट एरिया में बेस्ट होती है। तो आपके लाइट एरियाज हैं ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड। डी ऑप्शन इज करेक्ट, इन रेड लाइट रीजन फोटोसिंथेसिस अकर बेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन बताना है बेटा। यस, योर आंसर इज ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्सेस विद द फूड। तो फर्स्ट इनकाउंटर कौन सा एंजाइम करता है, हमारे माउथ में होता है बेटा वो। यस, सेलिवरी अमाइलेज। डी ऑप्शन, जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर्स में। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स अपॉन। यस, ऑप्शन सी, वाटर इन गार्ड सेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन। किस मीडियम में डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, डन बाय एंजाइम पेप्सिन व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक। तो आंसर इज एसिडिक मीडियम, ऑप्शन सी इज राइट वन, एसिडिक मीडियम। जबकि अल्कलाइन मीडियम में कौन वर्क करता है बेटा, ट्रिप्सिन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। यानी आपने इवेंट चूज करना है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होता। तो बेटा अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये भी होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इट आल्सो हैपेंस। सो योर ऑप्शन डी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इज द इनकरेक्ट इवेंट, इट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन डी इज राइट वन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।